हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आप लोग को पता है कि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, सो स्टूडेंट्स लोग घर पे बैठे हुए हैं, कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, टैप द बेल आइकन, ओके। और अगर आपको लगता है कि मेरा क्लासेस आपके लिए वर्थफुल है तो प्लीज़ डू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक इट, ओके। टुडे वी आर हेयर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड लेबर कॉस्टिंग, ठीक है। ये आप लोग का बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर में आता है। पीपल जनरली टेक इट एज अ सेकेंड चैप्टर बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज जनरली मटेरियल कॉस्टिंग अलॉन्ग विद बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्लासेस में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर कर रखा है, ठीक है। हम लोग मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कुछ कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले मैं क्लियर आउट कर दूँ, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में देख रखा है कि वॉट इज कॉस्ट। कॉस्ट इज द सैक्रीफाइस ऑफ रिसोर्स। वॉट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज द सैक्रीफाइस ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस, ठीक है। अब सर, ये कॉस्टिंग में हमको कॉस्ट का मीनिंग तो समझना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं या कोई भी सर्विसेज जो हम रेंडर कर रहे हैं किसी को, किसी की बिहाफ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बदले हम लोग को जो सेक्रीफाइसेस करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा सर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रखे थे क्लास 11 में। वहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। ये वही ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देन वी हैव स्टडीड इन ब्रीफ, आई एम जस्ट टॉकिंग विद, आई एम जस्ट टेकिंग ऑल दिस इन ब्रीफ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज क्लास में डिस्कस कर रखा है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि देर इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इफ यू लुक आउट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, देर आर थ्री एलिमेंट्स। वन इज मटीरियल, अदर इज लेबर एंड द लास्ट वन इज ओवरहेड, ठीक है। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट किस चीज़ से बनता है? कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं, एक है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड। तो ये जो लेबर चैप्टर है ये वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जब हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में डिस्कस किया था तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर वाइज डिस्कशन में कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट रिमेन फिक्स्ड इन टोटल। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सर वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड इन टोटल या पर यूनिट, जल्दी से बताइए। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड इन पर यूनिट, इट इज फिक्स पर यूनिट वाइज वो फिक्स होता है, बट वेरिएबल इन टोटल, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। सर वॉट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ना ही फिक्सड है ना ही वेरिएबल है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट फिक्स कॉस्ट का है, कुछ एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट का है, ना ही वो टोटल में फिक्स्ड है ना ही वो पर यूनिट फिक्स्ड है, ठीक है, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोगों ने कॉस्टिंग का बेसिक क्लासेस कर रखा था, हम लोगों ने मटेरियल चैप्टर भी पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, आप लोग लिखिए मेरे साथ मीनिंग। मीनिंग, तो मीनिंग में हम लोग लिखेंगे लेबर इज द फिनेंशियल रिवॉर्ड विच इज गिवेन टू एन एम्प्लॉय और वर्कर फॉर हिज सर्विसेस, ठीक है। वॉट इज लेबर? लेबर इज द फिनेंशियल रिवॉर्ड। हम लोग बोलते हैं कि आज लेबर नहीं आया, ये गलत है। वर्कर जो काम करता है और वर्कर को काम करने के बदले जो पैसा मिलता है, जो फिनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। लेबर इज द प्राइस, लेबर इज द
प्राइस विच इज पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ अ लेबरर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ हमको सीखना है कि लेबर कितने तरह के होते हैं, तो अगेन हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ लेबर, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, वन इज डायरेक्ट लेबर एंड द अदर इज इनडायरेक्ट लेबर, वन इज डायरेक्ट लेबर एंड द अदर इज इनडायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है? डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो फैक्ट्री पे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो प्रोडक्शन सामान बनाने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल मशीन मैन इज अ डायरेक्ट लेबर। लेकिन सर इनडायरेक्ट लेबर का अगर हम बात करेंगे तो सुपरवाइजर, गेट कीपर, ठीक है, दीज आर ऑल जो लिफ्ट मेंटेनेंस का काम करते हैं, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट लेबर। सिंपल सा बात है, जो लेबर प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प आउट कर रहा है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, वो है डायरेक्ट लेबर। जो लेबर प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं है वो है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपके ओवरहेड चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेबर अर्निंग्स। लेबर अर्निंग्स आर ऑफ टू टाइप, ओके, वन इज टाइम रेट अर्निंग्स, अदर इज पीस रेट अर्निंग्स। लेबर को जो हम लोग पैसा देते हैं वो हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं उसको, एक है टाइम रेट अर्निंग, दूसरा है पीस रेट अर्निंग। सर टाइम रेट अर्निंग्स क्या होता है? टाइम रेट अर्निंग्स का मतलब लेबर को जो पैसा दे रहे हैं वो उसका टाइम के लिए दे रहे हैं, जितना टाइम उसने डिवोट किया है काम के लिए उसके लिए पैसा दे रहे हैं, उसका टाइम का पैसा मिल रहा है उसको यहाँ पे। सर पीस रेट अर्निंग्स क्या होता है? लेबर जितना आउटपुट प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है, वहाँ पे उसको उसके बेसिस पे पैसा मिलेगा। सपोज हमने लेबर को इस बेसिस पे रखा है, एक यूनिट बनाएगा हम लेबर को एक रुपया देंगे, अगर लेबर 100 यूनिट बनाएगा तो हम लेबर को कितना रुपया देंगे? 100 रुपया देंगे। तो हम लोग किस बेसिस में जा रहे हैं? पीस रेट अर्निंग्स। अगर हम लोग लेबर को आवरली पेमेंट करते हैं, 5 रुपया पर आवर, ₹5 पर आवर, और वर्कर 10 घंटा काम कर गया, तो हम लेबर को कितना रुपया देंगे? सर 10 घंटा काम किया, 5 रुपया, 1 घंटे का 5 रुपया, तो 50 रुपया दे देंगे। इसका मतलब टाइम रेट अर्निंग्स में हम लोग लेबर अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। जब हम लोग टाइम रेट अर्निंग्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग लेबर अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। लेकिन जब हम लोग पीस रेट अर्निंग्स का बात करते हैं तब तो हम लोग लेबर अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट, वर्कर जितना यूनिट बनाया, आउटपुट इनटू पीस रेट। ये दो तरह से हम लोग लेबर अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेबर का, वर्कर का वेजेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम्प्लॉई का सैलरी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम रेट अर्निंग्स, पीस रेट अर्निंग्स, दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये चैप्टर फैक्ट्री के वर्कर्स से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स का ही बात करेंगे, वर्कर का वेजेस का ही बात करेंगे। अगर हम वर्कर को रख रहे हैं, वर्कर को वेजेस दे रहे हैं, तो वेजेस देने का दो तरीका है, या तो तुम उसको टाइम रेट अर्निंग्स में दे दो या तो तुम उसको पीस रेट अर्निंग्स में दे दो। टाइम रेट अर्निंग्स में क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, जितना घंटा वो काम करेगा उसको उतना का पैसा मिलेगा। पीस रेट अर्निंग्स में क्या होगा? जितना यूनिट वो बनाएगा उसको उतना का पैसा मिलेगा। सपोज अगर हम लोगों ने वर्कर को इस तरह से रखा है, एक यूनिट का उसको हम लोग 2 रुपया देंगे और वो 100 यूनिट बनाता है, एक यूनिट का 2 रुपया और वो 100 यूनिट बनाता है, तो जल्दी से बताइए किस सिस्टम में जा रहे हैं? पीस रेट अर्निंग की टाइम रेट अर्निंग्स, एक यूनिट का 2 रुपया देंगे उसको, तो हम लोग रेट फिक्स कर दिए, पर यूनिट रेट फिक्स कर दिए, जिसको हम लोग पीस रेट बोल सकते हैं, ठीक है। और वर्कर ने 100 पीस बनाया तो उसको हम लोग अर्निंग किस हिसाब से देंगे? पीस रेट अर्निंग्स, आउटपुट इनटू पीस रेट। वर्कर को हमने इस बेसिस पर रखा है, 1 घंटे का 10 रुपया, अगर वर्कर 1 घंटा काम करेगा तो उसको 10 रुपया मिलेगा, वर्कर ने 10 घंटा काम कर दिया तो उसको किस बेसिस पे हम लोग अर्निंग्स देंगे? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, 10 आवर्स इनटू ₹10 पर आवर, दैट इज ₹100, ठीक है। ओके, आप लोगों ने ये वाला कॉपी वाला भी कॉपी कर लिया हुआ, ये ऑलरेडी मैंने पहला क्लास में जो लॉकडाउन से पहले जो क्लास हुआ था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी करवा चुका था ये, ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ ताकि हम लोग सम्स पोर्शन पे आ पाए, ठीक है, और बाकी लोग का रिवीजन भी हो जाए। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने क्लास में काफी चीज डिस्कस किया हुआ था क्लास में, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंसेंटिव प्लान,
दो तरह का होता है, एक होता है हेलसे एंड द अदर वन इज रोवन, ठीक है। वन इज हेलसे प्लान, वन इज रोवन प्लान। सर इंसेंटिव प्लान होता क्या है, वर्कर को अगर हम लोग को वर्कर से अच्छा काम निकलवाना है, ठीक है, अगर हम लोग को उसको मोटिवेट करना है, तो जस्ट बाई सेइंग यू कैन डू इट ही विल नेवर गेट मोटिवेटेड। ही नीड्स फिनेंशियल मोटिवेशन, तो उस फिनेंशियल मोटिवेशन को हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। सर इंसेंटिव मतलब बोनस होता है? हाँ इंसेंटिव मतलब बोनस होता है। इंसेंटिव का मतलब हम वर्कर को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इस आप लोग देखते हैं ओला यूबर, ठीक है। ओला यूबर हम लोग का इंडिया में आए दिन इंसेंटिव प्रोवाइड करता रहता है कार ओनर्स को, कैब ओनर्स को, वो लोग इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कैब ओनर्स लोग भी मेहनत करते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ कुछ गाड़ियां तो 20 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा भी वो लोग मेहनत करके अर्न करते हैं। इसका रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंसेंटिव। दे नो इफ दे विल वर्क एक्स्ट्रा, दे विल गेट एक्स्ट्रा मनी, दे विल गेट एक्स्ट्रा मनी, दैट इंसेंटिव। तो वो इंसेंटिव का वो लालच है जो इसके वजह से वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, और एक्स्ट्रा मेहनत जब वर्कर करेगा तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लाना है तो हमको लेबर से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ हमको लेबर से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमको जाहिर सा बात है लेबर को इंसेंटिव बोनस देना ही पड़ेगा। जस्ट बाई सेइंग दैट यू कैन डू इट, ही विल नेवर डू इट। ही नीड्स फाइनेंशियल मोटिवेशन। वो फाइनेंशियल मोटिवेशन को हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। ओके तो हम लोग का चैप्टर में इंसेंटिव प्लान में दो इंसेंटिव प्लान है, एक है हेलसे, दूसरा है रोवन प्लान। वन इज हेलसे प्लान एंड द अदर इज रोवन प्लान, ठीक है। हेलसे प्लान एंड रोवन प्लान क्या बोलता है, देखिए हेलसे प्लान एंड रोवन प्लान, इंसेंटिव पहला बात हम लोग को क्लियर कर लेना है, वर्कर को इंसेंटिव तभी मिलेगा ओनली इफ ही सेव्स टाइम, ठीक है, ओनली इफ ही सेव्स टाइम। सर ही सेव्स टाइम, हम कैसे समझेंगे कि वो लोग का टाइम सेव कर रहा है कि नहीं? देखिए बिजनेस हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग को बहुत पहले से पता है कि कोई भी सामान बनाने के लिए, एक यूनिट सामान बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन अपना चला रहे हैं करीब 20 साल से, तो हमको पता है कि ये एक पीस पेन बनाने के लिए, ये एक पीस पेन बनाने के लिए एक टाइम अलॉट अगर हम करेंगे वर्कर, तो एक स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए 5 मिनट लगता है एक पीस पेन बनाने के लिए। जरूरी तो नहीं है कि हर वर्कर 5 मिनट में बनाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे वर्कर्स एक पीस पेन को कितना देर बनाते हैं, 5 मिनट में बनाते हैं, ठीक है, लगभग ऑन एन एवरेज। तो हमने वर्कर को टाइम डिवोट किया, टाइम अलॉट किया, कितना, 5 मिनट एक यूनिट के लिए। उसने टाइम ले लिया एक यूनिट बनाने के लिए 7 मिनट, इसका मतलब उसने टाइम सेव नहीं किया है। हमने उसको अलॉट किया था 5 मिनट्स फॉर वन यूनिट, उसने टाइम टेकन, टाइम एक्चुअली टाइम बुक कितना ले लिया, 7 मिनट्स। इसका मतलब उसका एफिशिएंसी, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था, वो अब मार्क तक नहीं था, ठीक है, इट वॉज बिलो द मार्क। सो हम लोग लेबर को बोलेंगे कि आप लोग अगर टाइम सेव करेंगे तो आप लोग को हम बोनस देंगे। सर टाइम सेव करके क्या होगा, टाइम सेव करके दोनों को बेनिफिट है, फैक्ट्री अपना दूसरा प्रोजेक्ट ले सकता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट खत्म करो दूसरा प्रोजेक्ट ले लो। वर्कर क्या कर सकता है, उस एक जो टाइम उसका बच गया उस टाइम पे वो दूसरा काम कर सकता है या फिर वो रेस्ट ले सकता है, ठीक है। तो एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि इंसेंटिव तभी मिलेगा वर्कर को ओनली इफ ही सेव्स टाइम, ठीक है, अदरवाइज ही वोंट गेट एनी इंसेंटिव। ओके सो हेल्सी प्लान का अगर हम लोग फॉर्मूला, जो हम लोग क्लास में ये सारा चीज ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग सम्स वाला पोर्शन पे आ पाए। स्टिल आप लोग ये वीडियो जरूर देखना जिससे आप लोग को रिवीजन हो जाए, कॉपी में सबके लिखा हुआ है लेकिन आप लोग को रिवीजन का बहुत जरूरत है। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटीड वेजेस, ठीक है, गारंटीड वेजेस। अगर एक लेबर 10 घंटा काम करता है और 1 घंटे का उसको 20 रुपया मिलता है, 1 घंटे का उसको 20 रुपया मिलता है और वो लेबर 10 घंटा काम करता है, इसका मतलब उसको गारंटीड वेजेस कितना मिलेगा, 200 रुपया मिलना ही है, ठीक है। हमने लेबर को टाइम अलॉट किया था 22 घंटा, उसने काम खत्म किया 30 घंटा में। टाइम अलाउड वॉज 22 आवर्स, टाइम टेकन इज 30 आवर्स। सर उसको पेमेंट कितना करेंगे हम लोग, 30 आवर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने उसको आवरली बेसिस पे रखा था, जितना टाइम वो देगा उतना टाइम का उसको पैसा मिलेगा। लेकिन सर क्या यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, वॉज इज परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, नो, बिकॉज टाइम अलाउड वॉज 22 आवर्स एंड द टाइम टेकन वॉज 30 आवर्स, सो ही डिड नॉट सेव एनी टाइम, अकॉर्डिंगली उसको क्या बोनस मिलना चाहिए, नहीं।
उसने तो एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, 8 घंटा और वेस्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली उसको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन गारंटीड वेजेस कितना देर का मिलेगा, कितने घंटे का मिलेगा, 30 आवर्स। ठीक है, ओके। सो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस मैं थोड़ा शिफ्ट करके लिख देता हूँ ताकि सबको विजिबल रहे। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटीड वेजेस प्लस हाफ। सर ये हाफ किस लिए है? हेल्से में बोनस का रेट है 50%, 50% उसको हम लोग बोनस दे देंगे। ठीक है, हाफ इनटू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक है, ये है हेल्से का फॉर्मूला जिसमें ये पोर्शन आपका बताता है गारंटीड वेजेस और ये पोर्शन कैलकुलेट करके बताता है बोनस। ठीक है, इसका मतलब हेल्से प्लान में लेबर को वेजेस कैसे दे रहे हैं हम लोग, गारंटीड वेजेस दे रहे हैं और साथ में उसको हम लोग बोनस भी दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेल्से प्लान को जल्दी कॉपी कर लीजिए आप लोग। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। ओके, सो हेल्से प्लान के बाद आता है रोवन प्लान। हेल्से प्लान के बाद आता है रोवन प्लान। सर रोवन प्लान में क्या फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा? नहीं, रोवन प्लान में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बस रोवन प्लान और हेल्से प्लान में ये डिफरेंस है कि हेल्से प्लान में बोनस का रेट 50% है, बट रोवन प्लान में हम लोग प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसके अलावा हम लोगों ने और भी कुछ कुछ सीखा था, आप लोग जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। रोवन प्लान, हो गया। नेक्स्ट हम लोग ने क्लास में ऑलरेडी ये भी सीख रखा था कि इफेक्टिव अर्निंग्स पर आवर और स्पीड ऑफ अर्निंग्स पर आवर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था टोटल अर्निंग्स by time taken, ठीक है, total earnings by time taken। सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव अर्निंग्स पर आवर का मतलब है एक आदमी है सुबह 9 बजे आता है, शाम को 7 बजे अपना घर के लिए वो निकलता है, इसका मतलब वो कितना देर अपना काम को डिवोट कर रहा है? सर 10 घंटा करीब। ठीक है, क्या वो 10 घंटा पूरा काम करता है? नहीं, वो 10 घंटा पूरा काम नहीं करता, उसमें हार्डली वो
8 घंटा काम करता है, वो 2 घंटा खाना पीना घूमना इधर उधर बात करने में वेस्ट कर देता है। वो 10 घंटे में वो अर्न करता है 400 रुपया, ठीक है, उसका डेली अर्निंग है 400 रुपया, लेकिन 400 रुपया उसने 10 घंटा काम करके कमाया है कि 8 घंटा काम करके? टाइम तो उसने दिया है 10 घंटा, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिव काम कितना देर किया? सिर्फ काम कितना देर किया? 8 घंटा। इसका मतलब 400 रुपया जो अर्न किया है वो 8 घंटे का अर्निंग है कि 10 घंटे का अर्निंग है? वो 8 घंटे का अर्निंग है। अकॉर्डिंगली अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स जो भी होगा, सर टोटल अर्निंग्स क्यों बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट है? इसमें बेसिक वेजेस भी है और साथ में इसमें इसमें बेसिक गारंटीड वेजेस भी है, गारंटीड वेजेस को ही बेसिक वेजेस बोलते हैं, और प्लस बोनस का एलिमेंट भी है। इसका मतलब टोटल अर्निंग्स में दो चीज आता है, गारंटीड वेजेस या फिर बेसिक वेजेस प्लस बोनस एलिमेंट डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग अपना इफेक्टिव अर्निंग्स पर आवर या फिर स्पीड ऑफ अर्निंग्स पर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। Then, next, और भी हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों ने क्लास में, और शायद पहले इसमें कुछ सम्स कर लेते हैं फिर सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सम्स वाला क्लासेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, टिल देन ध्यान रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। Tap the bell icon, subscribe my channel. Do as much like and share as you can. Thank you.